हिजबुल्ला के लगातार हो रहे हमलों से इसराइल थर्रा उठा है। अब ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच जंग की भूमिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और यही वजह है कि हिजबुल्ला पूरी ताकत से उत्तर इसराइल पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है। हालांकि IDF भी हिजबुल्ला के हमलों का माकूल जवाब दे रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। और अब हिजबुल्ला ने किर्यत शमोना के होर्श रमीम इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे इजरायली सेना हिल गई है। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें होर्श रमीम में IDF की पैदल सेना दिख रही है और इन सैनिकों पर हिजबुल्ला एक गाइडेड मिसाइल से हमला कर देता है। इसके अलावा एक अलग वीडियो में हिजबुल्ला किर्यत शमोना में इजरायली सेना पर भीषण मिसाइल हमले करता हुआ दिख रहा है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर फलक मिसाइल और कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इन हमलों से इजरायली सेटलमेंट में भारी तबाही मची है और कई लोग इन हमलों की चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के कई सेटलमेंट पर हवाई हमले किए हैं। इनमें से ज्यादातर हमले गुरैन और शलोमी सेटलमेंट पर हुए हैं, जहां पर हिजबुल्ला ने बुरकन रॉकेट्स दागे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हिजबुल्ला ने इसराइली सेटलमेंट्स पर इतने भारी विस्फोटकों से हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला के इन हमलों की पुष्टि की है। इजरायल से आई कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पश्चिमी अल जलील में रॉकेट का एक जत्था गिरने से आग लग गई। इसके अलावा यहां पर लेबनान से मिसाइलें भी दागी गई हैं। वहीं हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने जल अल अलम सैन्य चौकी के पास इजरायली सेना के जमावड़े वाली जगह पर भी हमला किया है। साथ ही अल सुमा का और अल रमथा चौकी पर भी हिजबुल्ला ने बमबारी की है। इससे पहले 28 मार्च 2024 को भी हिजबुल्ला ने लेबनान से लगने वाली इसराइल की कई सैन्य चौकियों पर बमबारी की थी। और हिजबुल्ला के इन हमलों से पहले IDF ने भी लेबनान में एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 7 पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स की मौत हो गई थी।